बेल्ट लगा के चले बाइक पे, हेलमेट लगा के चले गाड़ी में। भाई को कॉन्ग्रेचुलेशन, भाई पास हो गया। अब भाई कहीं की ये रिकॉर्डिंग बच्चे हैं। अच्छा व्लॉग देख लिया ना इसने? अरे व्लॉग अपने पूरे देखते हैं भाई, मजा आता है अपने व्लॉग। तो आओ यार शुरू करते हैं बिना किसी बकचोदी के। गुड मॉर्निंग गाइस, क्या हाल है सबके? फिर से एक नए व्लॉग में स्वागत है आपका भाई। जय श्री राम। अच्छा अभी स्टार्ट कर रहे हो व्लॉग? जय श्री राम। हाँ भाई अभी स्टार्ट किया यार मैंने, यहीं आके कैमरा उठता है, वहाँ से तो खाट पे से उठे और अपना थोड़ा बहुत काम किया। भाई वे बालक जो साढ़े पूरे दिन क्लास में बड़े रह करे ना, जो ज्यादा पढ़ लेते हैं वो भी फेल हो जाते हैं भाई, ऐसा जरूरी नहीं है। अब तो हमें पता है तू पढ़ा नहीं है। मैं भाई जेन्युइन नहीं पढ़ा, पता है जैसे कल पेपर है मेरा तो आज ना पूरे दिन दोस्त के यहाँ बैठा पढ़ा। अच्छा है ना, और मौज काट रहे हैं और मैं फोन बात कर रहा हूँ किसी को। ठीक है हाँ 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 ठीक है ठीक है, दोस्त है दोस्त नहीं हो तो हमें पता है। म्यूजिक भाई छोरी छारी। हाँ हाँ मैं फिर चलो छोरी छारी। भाई तू है भाई तू नॉटी है यार, तू क्यूट है बता, बंदा क्यूट नहीं हो तो बताओ। मैं अपने क्लासमेट्स को कॉल करता था, मैं क्या यार मैं ना पढ़ रहा हूँ अभी। हाँ अच्छा ठीक है पढ़ लो भाई पढ़ लो, पर भाई सारे फेल होके बैठे हैं। और पता है कितने कितने नंबरों से? 25-25 26-26 नंबरों से भाई। अच्छा सिस्टम है यार। अच्छा मुझे ये बता, स्टारबक्स की जो कॉफ़ी पी है तूने? नहीं भाई। अरे मैं मजाक से हट के, मजाक से हट के ये बोल रहा हूँ मैं। हाँ मैं भी मजाक से हट के बोल, मतलब ट्राई भी नहीं की तूने? तो की होगी तो वहाँ में कोई टेस्ट आवे? चल तूने तो ट्राई ना करी। टिंकू भाई कुछ भी है स्टारबक्स में जाके बैठने ही चूतिया पाए ना भाई। कॉफी तो बहुत बेकार है यार बाकी। भाई मानो कॉफी पीने थोड़ी जा रहे और 85% जाते हैं फोटो खिंचाने रील बनाने, साढ़े एक कॉफी लेंगे उसमें 400 रील काट लेंगे। क्या बढ़िया था गुरु। कि ऐसे ले पैसे देते हुए हाँ ऐसे तो हमारे घर स्टील के गिलास पड़े उनमें लिख रखा जो हटेगा भी नहीं भाई। वे स्टील के ग्लास भी हमने गुदवा रखे हैं। गुद से गुद के तो लिखते हैं भाई। मैं पता पहले क्या सोचा करा, मैं पहले ये सोचा करा जैसे स्टील के ग्लास पे नाम है तो मैं क्या घर वाले इसलिए लिखवाते होंगे ताकि चोरी हो तो पता लग जाए देख इस पे मारा नाम लेकर आए। अरे नहीं जैसे अड़ोसी पड़ोसी में प्रोग्राम होता है ना तो बर्तन वगैरह मांग लेते हैं भाई, तो इसलिए पुराने बड़े बूढ़े ना उनपे वैसे नाम लिख दिया करते थे। या फिर परिवार बड़ा हो। हाँ परिवार बड़ा हो मतलब वही एक बात है, मतलब गांवों में तो परिवार मतलब वही होते हैं, घर रहते ही होते हैं सारे। तो भाई तुम भी तो मेरे ही और तुम भी, तुम पे भी नाम ले तू कभी खो जाओ। तेरे में किस बात का एटीट्यूड? कभी कोई और आके कह दे दोस्तों तेरे से एक्सक्यूज मी ब्रदर। पहले पता है हमारा नाम लिख दिया था, अब हम तेरा लिख सकते हैं, तू अपनी बता लिख दे तेरा नाम। मेरा तो बहुत तेरे तेरे घर के बर्तनों पे लिख दे अपना नाम। अच्छा मुझे ले चलना अपने कॉलेज में, कोई बंदी होगी नहीं होगी हमसे, इंप्रेस होगी नहीं होगी। हां भाई इंप्रेस होकर राखी बांध लेगी तुम्हारी। दिन आ गए क्या हमारे? अब हम मतलब राखी बंधवाएंगे क्या भाई? भाई राखी बंधवाना बुरी बात है? तुम हिंदू त्योहारों को गलत कह रहे हो। तो भाई यार तुम त्योहारों को गलत कह रहे हो भाई, ये तो तू मेरे पे वो लगा रहा है भाई है अपना। नहीं भाई ऐसा नहीं है। हाँ वो व्यू भाई ये नहीं है, इस पे मैं कपड़ा मारता। बात तो सही है। हाँ तो गाइस अब निकलने का टाइम हो गया भाई, टोपा उतारना
टोपा भाई है, अनुप भाई का दिया वो। हाँ भाई यू भाई हेलमेट मैंने दे रखा हो, क्योंकि मैं चाहूँ मेरी जो टीम के बंदे ना भाई वो सेफली चले रोड पे, सीट बेल्ट लगा के चले बाइक पे, हेलमेट लगा के चले गाड़ी में। भाई मैंने बहुत बार बोला अपने व्लॉग में इनकी हेलमेट पहन के चलो भाई, बहुत जरूरी है हेलमेट, है ना भाई। हाँ भाई, और हमें तो अनुप भाई ने गिफ्ट दिया है भाई, हमारी तो सेफ्टी दिखा दे भाई। यो भाई पता है यो हेलमेट जो दियो यो मेरे खून पसीने की कमाई, मेरी खून की कमाई है पसीना की ना, क्योंकि भाई एक जगह मैंने रक्तदान करो वहां वो हेलमेट मिलो मेरे द्वारा रखो, देखो बाइक तो तुम्हारा भाई चलावे ना, क्योंकि हवाई जहाज के नीचे खड़ा है। पैसा ही बहुत है भाई यहाँ पे जो फोन चला रहा हो ये हमारा। तो भाई पता है ये हमारे भाई मैंने भाई गिफ्ट करो कि अगर रोड पे चल रहा है तो हेलमेट लगा के चलिए बाइक का, भाई सेफ जिंदगी एक बार मिली है, प्यार तो बिताओ और एल्विस भाई को वोट करते रहो। पैसा भी ऐसा है कि पेंट फटी पड़ी है, पेंट नहीं जा रही भाई, महंगी आम है और महंगी आम है भाई, डिजाइन है डिजाइन है, पैसा की और तो कोई दिक्कत ना यार, क्या फायदा है डिजाइन को जब लोग भिखारी कह रहे हैं। रोस्ट मार रोस्ट मार, चलो Are you comedy me? A few moments later. जा रहे हो ना भाई, घर जा रहे हो ना, चलो मिलते हैं। सीट ना निकल जा बस। समझ रहे हो आप? कुछ ना रही। चलो गाइस हम भी निकलते हैं, बाकी एल्विस भाई को सपोर्ट करो और फुल वोट करो, दवा के वोट करो भाई। जय श्री राम। या मैं कुछ दवाया ना जाएगा भाई, तो मैं यू क्या कि मतलब वहां में जाके टच करके मतलब जो उड़ेगी ना जियो को परफॉर्मेंस खुल जाएगा, वहां में जाके एल्विस भाई को होगा वहां क्लिक कर दो, क्लिक करने के बाद डब्बा में पर दवा दवारेंगे बस की ना, उसमें लाइव का ऑप्शन आता है, लाइव पे वॉच करो उसको, और उसमें वोटिंग का ऑप्शन आता है बीच में, वाले अभी उसमें देख रहे ठीक है जियो सिनेमा। वेक अप टू रियलिटी भाई, पलवल फरीद पलवल गार्डन की ओड ना हो भाई, पलवल फरीदाबाद बात एक है भाई। जय श्री राम भाई। भाई आपने मेरी बाइक की चाबी क्यों निकाली? भाई मैंने चाबी आपकी इसलिए निकाली क्योंकि आपका पार्टनर वहाँ बात कर रहा है अभी, और आप जल्दबाजी दिखा। लेकिन एक बात है भाई, आज आपने कपिल है क्या खुवा दिया? कपिल? हाँ। क्या कर दिया? क्या खुवा दिया कपिल है? क्या खवा दिया कपिल को? क्या खिला दिया? क्योंकि आज भाई तुम्हारे ब्लॉग में पहली बार बोल रहा है वो भाई, ऐसे कहता है कैमरा, वो अपना भाई है भाई, धीरे धीरे समझता है वो, समझ जाएगा भाई धीरे धीरे, एकदम ही समझा है वो, तुमने कुछ किया है भाई, मैंने उसको प्यार दिया भाई, क्या चक्कर चल रहा है, मैंने उसको चुम्मा दे दिया। क्या बोला तूने? चुम्मा स्मूच। क्या चक्कर चल रहा है भाई तुम दोनों का? क्या इशारे हो रहे हैं भाई? तुम नहीं समझोगे क्या चल रहा है, तुम नहीं समझोगे मेरे इशारे, ये गंदे इशारे होते हैं भाई। तुमने कभी गंदे इशारे किए किसी को? हाँ भाई। किसको? नहीं भाई, इसलिए नहीं समझे ना तुम। तो भाई अपने घर पहुंच गए हम। ओहो मेरा तो पेट निकल रहा है भाई, मैं तो मोटा हो रहा हूँ। जिम ज्वाइन करते हैं जल्दी ना, अभी टाइम नहीं मिल रहा भाई, जिम ज्वाइन करेंगे अपनी बढ़िया। और भाई स्क्रॉल पे ही लगा रहता है क्या मेरे भाई? और बिग बॉस को क्या चल रहा भाई, पूरे दिन भर तू बिग बॉस ही चल रहा होगा तेरा? ना इतना भी ना, पर हां सिस्टम ही सिस्टम है, जब भी चलाओ एल्विस ही रहे स्क्रीन पे। एल्विस तो भाई रहनो बनता है ना, अपना भाई है, उनो दिखेगो को तो बिग बॉस में दिखेगो कौन भाई, एल्विस का तो टोरा है वही दिख रहा जो एल्विस पे बात कर रहा है, वही दिखा रहे तो। अब वो टीआरपी उसको दे दी ना भाई अपने एल्विस भाई ने, बिग बॉस को पूरी टीआरपी दे दी भाई, जो पुनीत भाई ने गिराई थी वो पूरी अब उठा दी, मतलब चार चांद लगा दी एल्विस भाई ने, है भाई। और उसका क्या मैटर चल रहा है अविनाश और उसका? अविनाश ने तो मतलब बात करनी बंद कर दी, क्योंकि क्लियर वाने कह दियो कि झूठी अंत बात करनी ना, क्योंकि एक जिस चीज को कोई अंत ही ना, मतलब फालतू की लड़ाई है रही है उसको कोई अंत नहीं हो, क्योंकि जिस तरीके तो अविनाश अब भी बात करे वो बिल्कुल बकवास है। तो ऐसे मतलब आप गधा के सामने कितनी देर डैचू कर लो, गधा थोड़ी अपनी जवान से डाल ले वो। अब एक काम कर रहे हैं तो भाई हैं गाइस, एक काम करते हैं अपने टाइगर को नाम बदल दें भाई। टाइगर को नाम बदल के ना या तो कुत्ता क्यों गाली देनी? अरे या मैं कुत्ता की बेइज्जती आ जाएगी। अविनाश भाई तू तो यार मतलब इतनो गिर होगा, इतनो गिर गो अविनाश भाई, क्यों टक्कर ले रहे हो भाई, वो अप लेवल को, अभी तू भीतर बैठो घर के, तू ना जाने वो कहाँ फर्म है भाई, जब तू बाहर निकल के अपने फोन में स्क्रॉल करेगा ना तो एलबीसी ही दिखेगा भाई, और कोई ना दिखेगा तो तो बेटा अनुप भाई उठा लागो फॉर्चुनर में और तोरे पे लो।
000 ये 0001 तो भाई चलेगी सप्ते आगे और 0004 चलेगी आगे पीछे जय में तू बैठे हुए को भाई। तो भाई पहले बंदे की वैल्यू समझ, बंदा कौन है क्या है, मतलब तू दिए जा रहा हो अड़चन दिए जा रहा हो भाई है, दुखी कर रहो भाई। तू बाहर आ जा, तेरी मीम्स बहुत कट रही है अभी अविनाश, तेरी 32 ही दिख जाएंगी एक बार बाहर आते ही। अभी मीम कट रही है, फिर यू कटेगा, फिर यू कटेगा, फिर तेरी वीडियो वायरल होनी है भाई, तू भी आएगा ट्रेंड में। अविनाश भाई आई स्वेयर यू कि आप आओगे ट्रेंडिंग में, पक्का आओगे एक बार बिग बॉस खत्म होने के बाद। हाँ है ना भाई, बिल्कुल तेरी तो गांड घुटेगी। तो भाई इतना भी मत बोलो यार, क्या ही मतलब सो है, एक वो कंपटीशन चल रहा है उसमें बस। हाँ तो गांड वैसे ना घुटेगी, ऑनलाइन ही घुटेगी, वहां कौन सा हाथ छोड़ो। हाँ यू भी बात है ना, वो भी एक मतलब वहां भी रहे हो। हाँ यू हवाबाजी के फार्म जो भरे वहां के फार्म में आग तो लगाएगा कोई तो। हाँ सिस्टम है भैया, दब के रहना पड़ेगा। और एक वो है अपनी देवी का, उनका क्या चल रहा है, बेबी का? बेबी का तो इश्क मोहब्बत प्यार की बात है, बेकार की बात है। अच्छा अब एल्विस भाई तो आएगा दिखे हुआ है, एल्विस भाई तो कौन है ना, बाकी तो एक्टिंग कर रहे हैं क्योंकि पैसा भी तो ले रहे हैं। हाँ ये भी बात है भाई। अरे एल्विस भाई को सपोर्ट करो, वोट करो, और वोट पे ना मतलब उंगली हटाओ ही मत, करते ही रहो है ना, वोटिंग बंद नहीं होनी चाहिए भाई की। क्या बोलता भाई, सबसे कम वोट जो दिख रही है वे आके हैं फलक की, फलक की, फलक तो जाएगी इस बार। जी जी राम राम री तुते फेर मिलेंगे। हाँ। पर फलक सबसे पहले नहीं देख लेगी, बाहर निकलते ही एल्विस को टोरा कहा है, फिर जब एल्विस भाई विनर बन के निकलेंगे ना अपने, तो आगे बाद फिर पक्को मिलेगी अपनी। फलक मिलेगी एक बार एल्विस भाई तो, फिर तो फलक, अरे मतलब वही है फिर एल्विस भाई लाइन तो बाहर निकाल देंगे भाई। एल्विस भाई लाइन तो बाहर निकाल देंगे, लाइन में तो है ही नहीं वो, अब उसको भी लाइन में रखेंगे क्या अपने एल्विस भाई। बहुत पसीना आ गो भाई। हेलो भाई, जय श्री राम। जय श्री राम भाई, कौन तैयार हो? नहीं भैया हम कहते आएंगे, कहते आएगो हमारे डोरे ही रहे, हमारे डोरे तो रह भी ना हो तो हम तेरे को हो जाएंगे। नहीं नहीं दोस्त पकड़ रखे थे ने, हैं तेरे को कॉम करवाना रहा था। अरे तू कॉम कह करे हमारे, तू तो सवाल जवाब इतने पूछे, तू कैसे कौन कब। तो भाई ब्लॉग के एंड में क्या बोलना चाहोगे राहुल भाई, मोहित भाई? बस यही है भाई, सिस्टम हैंग कर दो, एल्विस भाई को सपोर्ट करो, ज्यादा से ज्यादा वोट करो, और आप भी टॉप में और आगे भी टॉप में रखना उनको वोटिंग में, फुल सपोर्ट दिखाओ अपनी। तो सिस्टम करके दिखा दो एक बार, 1 2 3 सिस्टम। तो गाइस सिस्टम के साथ मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक अपना ध्यान रखें, जय श्री राम।